तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तराखंड की वास्तुकला और उत्तराखंड की प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। देवभूमि इंडिया ने 2019 में एक प्लेलिस्ट बनाई थी उत्तराखंड से लुप्त हो रही उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा, कुछ प्रसिद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। वह प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध प्राकृतिक संसाधन थे जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे, उनका संरक्षण न कर पाना हमारे लिए किस तरह से अभी अभिशाप बन चुका है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वह लगभग लुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की वास्तुकला और उत्तराखंड की संस्कृति जो अभी लुप्त होने की कगार पर है। क्या क्या इन वास्तुकला का किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग होता था और हमारी संस्कृति कौन कौन सी ऐसी हैं जो लगभग अभी लुप्त होने की कगार पे हैं, इन सभी से जुड़ी हुई जानकारी इस प्लेलिस्ट में आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वो है उत्तराखंड की संस्कृति और वास्तुकला। हमारी जो बहुत सारी वास्तुकलाएं थी वह अभी लुप्त होने की कगार पे है, लुप्त लगभग हो ही चुकी है, और कुछ संस्कृतियां अभी भी हमारे पहाड़ी बहुत दूर गांवों में जीवित है। उन संस्कृतियों को एक डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, एक कलेक्शन मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ ताकि आप आने वाला जो हमारा आगे भविष्य है वह इन चीजों को देख सके और क्या ऐसे कारण रहे जो आगे, इन सभी विषयों पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। पहली चीज है क्यों, क्या हमारे ऐसे संसाधन थे जो अभी लुप्त होने के कगार पे है। हमारे बहुत से ऐसे संसाधन थे जो लकड़ी के बर्तन होते थे, वो 5 से 6 शताब्दी में कत्यूर वंश के राजाओं द्वारा ज्यादा उपयोग में लाए गए। उस समय वह कर माफी के लिए भी इन बर्तनों को लिया करते थे और जो किसान थे उनका कर माफ कर दिया करते थे, ऐसी पौराणिक जो हमारे किताबें हैं इनमें इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यह कला जब हम तक आई तब तक यह लुप्त होने की लगभग अभी कगार पे है हमने तो देखा, लेकिन जो हमारी अभी की जनरेशन है वो कुछ टाइम बाद इन सभी चीजों को नहीं देख पाएगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसका मुख्य कारण मैं इस तरह मानता हूं कि इसे व्यवसाय या हमारी आजीविका से ना जोड़ पाना एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। अगर ये हमारी आजीविका से जुड़ी रहती तो जिस तरह से आज आप अभी मार्केट में लकड़ी के बर्तन देखते हैं बाहर से बन के आते हैं वह खुद हमारे वहाँ बने हुए होते, और हम और मुख्य ऐसे कारण थे जिनके कारण उत्तराखंड की जो प्राचीन संस्कृति और वास्तुकला है वह लुप्त होने की कगार पर है। जिस तरह से प्राचीन समय में लकड़ी के मंदिर भी बनाए गए, कहा जाता है कि जब कत्यूर वंश के राजाओं ने जागेश्वर मंदिर बनाया तब यह मंदिर कांस का बना हुआ था, अर्थात यह मंदिर बना हुआ था, और ऐसी ही कई ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो प्राचीन मंदिरों में आपको देखने को मिलेंगी। तो इनसे जुड़ी हुई भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देवभूमि इंडिया इस सीरीज में आप सभी को देने वाला है। उम्मीद करता हूं आगे आने वाली सीरीज का आप सभी को इंतजार होगा और अधिक से अधिक लोगों तक आप यह वीडियो शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी संस्कृति से जुड़ सके और हमारे जो लुप्त हो रही जो प्राकृतिक वास्तुकला है, प्राचीन वास्तुकला है, प्राकृतिक संसाधन है, इन सभी के बारे में भी जान सके। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड की किसी प्रसिद्ध वास्तुकला की जानकारी के साथ। जय हिंद।